लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 22 नवंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस विपुल एम पंचोली को गुजरात से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की। गुजरात चुनाव। बीजेपी की नन्ही प्रचारक से मिले पीएम मोदी, भाषण सुनने के बाद दिया ऑटोग्राफ। इस देश के पहले मालिक आदिवासी हैं, गुजरात की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा। राज्यपाल की शिवाजी पर टिप्पणी से उपजी नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश में बीजेपी। घर की महिला समन स्वीकार नहीं कर सकती, सीआरपीसी के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। झांसी में खाद के इंतजार में खड़े किसान, फसल के बर्बाद होने की चिंता सता रही। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर याचिका महाराष्ट्र सरकार ने ली वापस, कोर्ट ने दी इजाजत। जज जस्टिस निखिल कारियल के ट्रांसफर मामले में सीजेआई बोले, मांगों पर कर रहे विचार, वकील खत्म करे हड़ताल। पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मोरबी में हुई दुर्घटना को भारी त्रासदी कहा है। विदेशी यात्रियों को बड़ी राहत, भारत सरकार ने खत्म की एयर सुविधा फॉर्म भरने की शर्त। दिल्ली नर्सरी एडमिशन। दिल्ली में 1 दिसंबर से शुरू होगी निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पीएम मोदी की G20 में देशों के बीच आम सहमति बनाने में बड़ी भूमिका, US अधिकारी। नेपाल में संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में 61% मतदान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा के टैक्स रिकॉर्ड लीक, जांच के आदेश। पाकिस्तान की सेना में सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। फिलीपींस ने चीन पर लगाया संदिग्ध रॉकेट का मलबा बटोरने का आरोप। अब समाचार खेल संबंधित। इंग्लैंड ने धमाकेदार अंदाज में किया फुटबॉल विश्व कप अभियान का आगाज, ईरान को 6-2 से रौंदा। इंस्टाग्राम पर छाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 50 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किया निर्वाचक मंडल का ऐलान, लिस्ट में सिंधु, नारंग और साक्षी जैसे खिलाड़ी। नोवाक जोकोविक ने फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की, कैस्पर रूट को हराकर जीता ATP फाइनल्स। समाचार बिजनेस संबंधित। शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक से अधिक टूटा, निफ्टी 18,200 के नीचे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोर शुरुआत, 12 पैसे टूटकर 81.86 पर पहुंचा। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के आर्थिक विकास दर अनुमान में की कटौती, 5.9% रहने का अनुमान। भारतीय खाद्य सेवा बाजार 2028 तक बढ़कर $79.65 अरब पर पहुंचेगा, एक रिपोर्ट के अनुसार। L&T ने चालू वित्त वर्ष में 3,000 से अधिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पे कैनरा बैंक को विशेष वोस्त्रो अकाउंट खोलकर रूस के साथ रुपये में कारोबार करने की इजाजत दी। आज 22 नवंबर को पीएम मोदी देंगे 71,000 नियुक्ति पत्र, केंद्र के कई विभागों को मिलेगी पक्की नौकरी। बजट 2023-24 सीतारमण ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों व विशेषज्ञों के साथ की चर्चा, पहली परामर्श बैठक आयोजित। GST कानून से बाहर हो सकते हैं IPC के दायरे में आने वाले अपराध। DEPR के वार्षिक सम्मेलन में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत में मंदी की आशंका नहीं। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।